साथियों, उधम सिंह की बात को सुनकर उसके मित्र ने कहा, उधम सिंह, मैं इस कार्य में असमर्थ हूँ क्योंकि लंदन जाने के लिए काफी पैसा चाहिए। वैसे इस कार्य में तुम्हारी माताजी ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं। वह भी तब उनके सामने लंदन पढ़ने का प्रस्ताव रखा जाए। यदि आपने डायर से बदला लेने की बात कही तो तुम्हें लंदन नहीं जाने देगी और आपका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि माँ विकास करती है, विनाश नहीं करती, और उसके सिवा तुम्हारे सिवा उसका कोई और है भी नहीं। उधम सिंह ने कहा, तुम ठीक कहते हो। वह माता हरनाम कौर के पास आया और उदास मन से कहा, माता जी, यदि पिताजी होते तो वह मुझे लंदन पढ़ने के लिए भेज देते। क्या तुम मुझे लंदन पढ़ने के लिए भेज सकती हो? मैं डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। 10,000 रुपये मुझे मिल जाए तो मैं कोई भी एक डिग्री लंदन जाकर प्राप्त कर सकता हूँ। माता हरनाम कौर उधम सिंह की बातों से बहुत प्रभावित हुई और बोली, तू चिंता क्यों करता है? मैं आज तेरे पिता के एक मित्र हैं लाला जी, उसके पास उधार लेकर आती हूँ। हरनाम कौर लाला जी के पास आई और बोली, सुनिए, और मैं आशा करके आई तुम्हारे अरे द्वार लाला जी, 10,000 रुपए की है दरे तार लाला जी, दरे तार लाला जी, मैं आशा करके आई तुम्हारे द्वार लाला जी, 10,000 रुपए की दरे तार लाला जी, दरे तार लाला जी। उसका एक सवाल, उसका है एक सवाल, कहा कई बार लाला जी, अरे उसका लंदन पढ़ने का विचार लाला जी, विचार लाला जी। लंदन में पहुंचा दो, उधम को लंदन में पहुंचा दो, यारी का प्रण निभा दो, यारी का प्रण निभा दो, पति का तू यार लाला जी, दे दो या दिलवा दो रुपया उधार लाला जी, उधार लाला जी। ट्रेट की डिग्री ल्याऊं, डाक ट्रेट की डिग्री ल्याऊं, कुछ बन करके दिखलाऊं, अरे कुछ बन कर दिखलाऊं, विद्या से है प्यार लाला जी, उधम की जिद ने कर दी लाचार लाला जी, लाचार लाला जी।
10,000 दे दीजिए, मकान चाहे गिरवी रख लीजिए, हो मकान चाहे गिरवी रख लीजिए, मन में कुछ संकोच न कीजिए, लिखूं इकरार लाला जी, मित्र पुत्र पे करिए कुछ उपकार लाला जी, उपकार लाला जी। मकान बेच कर कर दूंगी भुगतान, न्यू बाली बेच कर कर दूंगी भुगतान, कर दीजिए एहसान ये प्रथम, कर दीजिए एहसान ये प्रथम बार लाला जी, बुद्धन प्रेमी मत करिए इनकार लाला जी, इनकार लाला जी। आशा करके आई तुम्हारे द्वार लाला जी, 10,000 रुपए की तरह